नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चुनावी रण सज चुका है, चुनावों की तारीख बेहद नजदीक है और अब सभी दल आने वाले चुनाव पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष पार्टी कांग्रेस, दोनों दलों का ही मकसद अब चुनाव में जीत हासिल कर यानी मध्य प्रदेश के सियासत की कमान संभालना है। बहरहाल अब सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 92 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने इस बार कई विधायकों समेत मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, वहीं कुछ मंत्रियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार कई मंत्रियों पर दांव खेला है जिनकी प्रत्याशी बनने के शायद कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे। बीजेपी की पांचवी सूची जारी होते ही प्रत्याशियों की लिस्ट में 6 नए नाम देखने को मिले। अंबेडकर नगर से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, शुजालपुर से शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, बमौरी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पोहरी से राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा, मुंगवली से राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और अमरपाटन से राम खिलावन पटेल को बीजेपी ने टिकट सौंपा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमौरी से टिकट दिया गया है। बता दें कि वे वर्तमान में पंचायत मंत्री हैं और तो और ये सिंधिया समर्थक नेता माने जाते हैं। महेंद्र सिंह ने 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं बात करें संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की, तो बता दें कि इंदौर की महू विधानसभा से इन्हें टिकट दिया गया है। 2003 में ये पहली बार विधायक चुनी गई और फिर 2020 में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिली, जहां इन्हें कैबिनेट मंत्री की गद्दी प्राप्त हुई। वहीं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को शुजालपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की इस जारी की गई नई लिस्ट में जहां कई मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है, तो वहीं कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल है। ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री माया सिंह, दमोह से पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक कुल 228 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। फिलहाल 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करना अभी बाकी है। वहीं विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने अब तक 229 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहरहाल अब चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कुल 228 विधानसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में किस सरकार का डंका बजेगा और किस सरकार को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।